तो दोस्तों फाइनली वेट जो है ओवर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक Redmi Note 5 यूजर हैं मेरी तरह और काफी दिनों से जो आप Mi 10 का जो आप अपने डिवाइस में वेट कर रहे हो कि आपके डिवाइस में Mi 10 का अपडेट जो है कब आएगा, तो इससे पहले दोस्तों जो क्या है कि मैं चाइना डेवलपर रोम का जो है रिव्यू कर चुका हूँ। बट दोस्तों मैंने उस रोम को जो आपको रेकमेंड नहीं किया था, बट मैं इस रोम को जो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा और मैं भी इस रोम को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप जो है ग्लोबल बीटा रोम का जो अपडेट आपके डिवाइस के लिए आ चुका है। तो क्या है इस अपडेट में खास और क्या अभी तक आपके डिवाइस में ये अपडेट नहीं आया है तो आप कैसे जो है इस अपडेट को जो है इंस्टॉल कर सकते हो, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं गिग प्राइम। तो दोस्तों एज ऑलवेज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और साथ ही इस बेल आइकन में जरूर दबाइए, क्योंकि क्या पता कब कौन सी वीडियो आपके काम किया जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी आप जो मेरे डिवाइस Redmi Note 5 में जो है Mi 10 देख सकते हो, तो सबसे नोटिसेबल फीचर जो है वो आप सामने देख ही सकते हो। जब भी आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करेंगे तो नया नोटिफिकेशन पैनल है जो आपके सामने होगा। तो मैं अभी आपको जो अबाउट सेक्शन में दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये है Mi वर्जन Mi 10 ग्लोबल बीटा 8.7.3, ये ग्लोबल बीटा है और इसमें जो आपको गूगल एप्स भी जो है मिलेंगे प्रीलोडेड। सिस्टम अपडेट में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिलहाल कोई अपडेट जो है अवेलेबल नहीं है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का जो आपको फीचर मिल जाता है, इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो Mi 9 जैसी ही लगती है, जैसे कि सेटिंग मेनू वैसा ही लगता है। रिसेंट ऐप में भी जो आप चेंजेस देख सकते हो, अब रिसेंट ऐप का जो है लेआउट जो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इसके अलावा बात करें अगर कैमरा सेक्शन की, तो कैमरा सेक्शन में जो कैमरा ऐप भी जो है चेंज हो चुका है। कैमरा ऐप में आपको जो कई एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो का, उसके बाद फोटो स्क्वायर, पैनोरामा मोड, मैनुअल मोड, तो ये कुछ पहले भी थे। और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर तो थोड़े बहुत चेंजेस जो कैमरा में भी हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा था कि सिंगल कैमरा पोर्ट्रेट मोड दिया जाएगा, हाल फिलहाल वो ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। तो दोस्तों अब बात आती है इंस्टॉल करने की, कैसे इंस्टॉल करता है। सबसे पहले अपने सिस्टम अपडेट में जाकर चेक कीजिए कि आपके डिवाइस में अपडेट है जो आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस में। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने अबाउट सेक्शन ओपन करा, ये सिस्टम अपडेट, तो आपके 3 डॉट आइकन यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ से जो आप अपडेट पैकेट को चूज कर सकते हो, चूज अपडेट पैकेट, तो आप यहाँ से जो है अपडेट को करके जो इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे मुझे फिलहाल कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, और सेकेंडली अगर मैं कहूँ तो मेरे डिवाइस रूटेड है, तो मैंने इसे कस्टम रिकवरी के थ्रू जो है इंस्टॉल किया है। अगर ये मेथड नहीं वर्क करता तो दोस्तों आपको जो अपने डिवाइस के बूटलोडर को जो है अनलॉक करना पड़ेगा, तभी जो आप इस फीचर का जो है यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको छोटी जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।